उपचुनाव से पहले यूपी के मुख्यमंत्री विपक्ष पर लगातार हमलावर हैं। सपा और कांग्रेस दोनों उनके निशाने पर है। वाराणसी में बीजेपी के सदस्यता अभियान को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा और कांग्रेस को जब भी मौका मिला है दोनों ने देश की कीमत पर राजनीति की है, जबकि बीजेपी देश के लिए राजनीति करती है। जब हमारे सामाजिक ताने बाने को छिन्नभिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों का अपमानित को अपमानित करते थे, आज वोट के लिए वे उनकी आर्थिक उतारती में दिखाई दे रहे हैं। ये नजारे में देखो इन लोगों को, आखिर यही समाजवादी पार्टी है, यही कांग्रेस है जिसने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया। और इनके कारनामों से कौन नहीं जानता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सर्वाधिक अपमान उन्होंने किया। अंबेडकरों को जब भी इनको मौका मिला उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। इधर योगी सपा और कांग्रेस पर हमलावर हैं तो उधर तेजस्वी यादव मोदी सरकार पर अटैकिंग मोड पे हैं। रविवार को आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी बिहार में सड़क पर उतर आई। तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने बीजेपी को पिछड़ा और आदिवासी विरोधी बताया तो नीतीश को मौका प्रस्त बताने से भी नहीं चूके। कल हम खुद धरने पे बैठ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, और नाइंसाफी की जा रही है पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, दलित आदिवासी भाइयों के साथ। और किसी भी कीमत पर जो महागठबंधन की सरकार, जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया 65% किया, जाति जनगणना कराई, किसी भी कीमत पे इसको शेड्यूल 9 में हम लोग करवाएंगे, चाहे भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को घुटने भी टिकवाने पड़े। तेजस्वी यादव अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ केंद्र और राज्य की सरकार पर हमलावर थे तो बीजेपी ने भी काउंटर करने में देरी नहीं की। बिहार के डिप्टी सीएम बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने तेजस्वी के धरने को नौटंकी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले तेजस्वी जाति उन्माद पैदा कर आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे। वही लोग है ना जो चुनाव में कहे संविधान खतरे में है, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे ये लोग समाज को भरमाने का, जातीय उन्माद पैदा कर लड़ाने का, जब जब चुनाव आएगा सत्ता तक पहुंचने के लिए नौटंकी करते हैं। आज हम सबसे पहले हम लोग समर्थन किए, जब जब गरीबों के हित की बात आई, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति के उत्थान की बात आई, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ कर करके उसका समर्थन किया है। नेता प्रतिपक्ष के नाते हमने सदन में समर्थन किया था कि जो जातीय गणना बिहार के अंदर हुआ, 6000 से कम आमदनी वाले लोग जो सबसे गरीब 34% है उसको प्राथमिकता दीजिए, हमने तो खुल करके मांगा था। बिहार की सियासत से दूर महाराष्ट्र में भी एक सियासत चल रही है और वो सियासत छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर है। प्रधानमंत्री ने खुद पर इस पर माफी मांगी, बावजूद इसके विपक्ष पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आ रहा। रविवार को महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों ने मुंबई में विरोध मार्च निकाला। उद्धव ठाकरे और नाना पटोले जैसे सीनियर नेताओं ने जूता मारो आंदोलन को लीड किया। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के सीनियर लीडर पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। यह हमारी सादी मांग है, इस तरह से अगर मगर करके अपोलॉजी, कंडीशनल अपोलॉजी से काम नहीं चलेगा। उनके बीजेपी की तरफ से दलील दी जा रही है कि आप लोग जो है सियासत करें, इसीलिए वो भी आज सड़क पर उतरे। देखिए, बीजेपी को जो करना है वो करे, आज महाराष्ट्र की जनता निश्चित करेगी किसकी गलती है। आपको लगा आगे आगामी चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को, साथ ही महायुति? चुनाव अपनी जगह है, चुनाव तो हो ही नहीं रहा है। ये बात है कि सरकार की कोई जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी चुकाने में सरकार ने चूक की है, सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, पैसे खाए हैं। एक शिवाजी महाराज की मूर्ति के निर्माण में अगर कोई राजनेता पैसे खाता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, तो क्या उसको बख्शना चाहिए? क्या महाराष्ट्र की जनता उसको बख्श देगी? कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ जिन्हें पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे के दौरान पुलिस ने नजरबंद किया था, वो भी महाविकास अघाड़ी के प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंधुदुर्ग में सिर्फ शिवाजी महाराज की प्रतिमा नहीं गिरी बल्कि सरकार ने पूरे महाराष्ट्र का स्वाभिमान गिराया है। ये छत्रपति महाराज का मालवा स्टैचू नहीं गिरा,
चलेंगे तो ये नहीं चलेगा। जिस तरह से दर्जा का काम हुआ अपने दोस्तों को, जो कॉन्ट्रैक्ट देने की बात आती है 256 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, देश के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का उल्लेख करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो स्टैचू बनाया 67 साल पहले सब कर दे, आज भी वो दिमागदार वैसे खड़ा है। सरकार का कहना है, देवेंद्र फडणवीस का कहना है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री समेत उन्होंने तो अभी तक माफी भी नहीं मांगी। ये जिम्मेदारी किसकी है? वो आज फरार है। होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? जो कॉन्ट्रैक्टर है वो फरार है। होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? पहले तो अपना राजीनामा दो, फिर आके बात करो। हिम्मत राजीनामा दो। केरल के प्रक्कर में संघ की 3 दिनों की कोऑर्डिनेशन मीटिंग चल रही है। मीटिंग के दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताया। नड्डा ने 25 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से बाहर आने का जिक्र किया और आयुष्मान भारत योजना को दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल कवर वाली योजना बताते हुए जमकर तारीफ की। But you will be happy to know that under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, in his first tenure, the world's largest health coverage program, and that world's largest health coverage program is 12 crore 78 lakh families, which amounts to 55 crore people are getting 5 lakh annual health coverage that we have to do.